मित्रों आप जानी ने नवाई लागशे के बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही बांग्लादेशी राजधानी ढाका में डांस परफॉर्म करवानी थी। तमने थशे के वड़ी एमा नवाईनी शू बात छे, कलाकार छे, डांस परफॉर्मेंस तेमनु काम छे अने तेना थकी तमने पॉपुलैरिटी पण हासिल थती होय छे, तो वांधो शू छे। पण ना, हुं तमने जणावी दऊं कि बांग्लादेश सरकारे आ शो कैंसल करी दीधो छे। बांग्लादेश सरकारे डॉलर बचाव माटे आ पगलू भर्यु छे। बांग्लादेशी कल्चरल मिनिस्ट्रीए 17 ऑक्टोबरना रोज नोटिस इश्यू करी हती। बांग्लादेशी आर्थिक स्थितिने जोता सरकारे नोरा फतेहीने शोमां आवानी परमिशन आपी नथी। विमेन लीडरशिपनी वात करूं तो कॉर्पोरेशनने ढाकामां इवेंट ऑर्गेनाइज करी हती। आ इवेंटमां नोरा फतेहीने एवोर्डथी सम्मानित पण करवानी हती, साथे ज डांस माटे इन्वाइट पण करवामां आवी हती। जो कि सरकारे हवे नोराने ढाका आवानी परमिशन आपी नथी। संस्कृति मंत्रालये पोतानी नोटिसमां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वनी कमी तथा डॉलरनी चुकवणी पर सेंट्रल बैंकना रजिस्ट्रेशननी वात करी हती। उल्लेखनीय छे के 12 ऑक्टोबर सुधी बांग्लादेशनो फॉरेन एक्सचेंज घटीने 36.33 बिलियन डॉलर सुधी आवी गयुं हतुं। एक वर्ष पहला 46.13 बिलियन डॉलर हतुं अने सरकार फॉरेन एक्सचेंजना पैसा अन्य देशमां जवा देवा मांगती नथी। आम जोयुं तमे केवा प्रकारनी कटोकटी सर्जाती होय छे। માત્ર નાની એવી જગ્યાએ ઇવેન્ટ કેન્સલ નથી થતી, આખે આખો દેશ પણ આટલા મોટા કલાકારોની ઇવેન્ટ પણ કેન્સલ કરી શકતા હોય છે અને એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારને જો તેમાં લાભ લાગતો હોય તો જ એ થતું હોય છે। પરંતુ ત્યારબાદ નોરાના કોઈ રિએક્શન હજુ સુધી સામે નથી આવ્યા। જોવાનું રહેશે શું અને કેવા પ્રકારની પ્રતિક્રિયા આપે છે।